नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में, आपको कुंडली में और आपके ग्रह गोचर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने में और इसके साथ साथ आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी का आगमन भी अवश्य करवाने वाली है और आपके जीवन के सारी समस्याओं से आपको छुटकारा भी दिलवाने वाले हैं। इसी के साथ आपको अलग अलग क्षेत्रों से काफी नई जानकारी और काफी अपने सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करने के काफी लाभकारी योजनाओं को बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। तो मित्रों, आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हुए अवश्य होने वाली हैं और भगवान शनि देव जी की कृपा से जीवन में लाभ कमाने के मौके भी आपको प्राप्त होने वाले हैं जो आपके जीवन में छोटी भी सारी की सारी तकदीरों का काफी ज्यादा हितावला करने वाला है और आपके भाग्य में विशेष बड़े परिवर्तन हो सकते हैं जो आपके जीवन में धन लाभ करवा सकते हैं। आपको किस्मत से पैसों की प्राप्ति होंगे, आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिनसे कि आप पूरे परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है, परिवार में आपसे प्रेम बढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है, भवन निर्माण कार्य शुरू करवा सकोगे। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य में भी आपको लाभ ही लाभ मिल सकता है। आपको व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आपको जीवन में लाभ कमाने के मौके भी अवश्य हासिल होंगे, आपके जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होंगे और पारिवारिक समस्याएं भी दूर हो सकती है। शनिवार से ही आप लोगों के जीवन में माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। कार्यस्थल में आपका अधिकार प्राप्त होगा, राजनीतिक में नए अवसरों की प्राप्ति होंगे, पुराने कानूनी मामलों को निपटाने में सफल होंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में स्तर में बढ़ोतरी होंगे, आप अपने ऐसिया और क्रोध भाव पर नियंत्रण रखने की अवश्य कोशिश करें। आपको कई मामलों में प्रगति करने का मौका भी मिल सकते हैं। उन्नति की वजह से तेज गति के कारण आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हासिल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में अपार सफलताएं मिल सकती हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको नई सफलताओं को प्राप्ति होंगे। गलतफहमी और लगातार असहमति पारिवारिक माहौल को आपका निराशाजनक बना सकती हैं। जो लोग सोशल साइट पर कार्य कर रहे हैं उनकी जान पहचान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होंगे जिनसे कि आपको लाभ हो सकता है और आपके पहले से बनाई गई योजनाओं को पूरा करने का योग रह सकता है। लोगों की सेवा करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। पिता के साथ मतभेद करने से बचने का प्रयास करें। कार्यस्थल में आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, आपको लाभ के प्राप्ति होंगे। इस समय आपको सर्व और धैर्य से काम लेने की जरूरत हो सकती है। ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है और कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की जरूरत होंगे। आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होंगे। इस समय बहुत ही सोच समझ कर वाणी का प्रयोग करने होंगे, वरना इस समय आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं और कोई भी ऐसा वादा न करें जिनसे कि आपको समय से पूरा न कर सके। आपके भाग्य को 4 चांद लग जाएंगे, आपके बुरे किस्मत भी आपका साथ छोड़ देंगे। आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। आपके जीवन में विशेष चमत्कार होने वाला है। विदेश के मामले में आपको कोई नया सिला मिल सकता है, व्यवसाय व्यापार में भी बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं और आसानी से प्राप्त होंगे। मित्रों, आप दूसरों के साथ मिलकर किए गए काम में आपको बहुत ही हद तक सफलता मिल सकती है। आप अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सफल होंगे, आपके फिटनेस भी बने रहेंगे, आप किसी कीमती सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़ों से आप हमेशा बचने की कोशिश करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें तथा कोर्ट कचहरी के मामलों को बाहरी सुलझा लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपके जीवन में आपको अपार साहसिक परिणाम की प्राप्ति और धन लाभ की प्राप्ति होंगे। लेन देन के प्रति आपको अधिक सतर्क सावधान की जरूरत होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष बड़ी खुशखबरी को प्राप्ति कर सकते हैं। आपके शत्रुओं का विनाश हो सकता है और जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बड़े सुनवरे और सर्व की प्राप्ति होंगे और कार्य क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होंगे, धन दौलत में बढ़ोतरी करवा सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि देवी देवताओं की कृपा से आपको व्यापार व्यवसाय में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में आपको सपनों को साकार करने के मौके भी प्रयास कर सकते हैं। आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपका शोहरत और पैसा बढ़ सकता है, आपके धन दौलत में अवश्य बढ़ोतरी होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सोचे हुए कार्य
कार्य भी अवश्य पूरे होंगे तथा आपको जीवन के परिस्थितियों में भी व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। इस समय भाग्य का साथ भी आसानी से प्राप्त होने वाला है और जो आपके जीवन में आपको धन दौलत दे सकता है तथा आपके कुंडली के 11वें भाव में इस समय चंद्रमा का गोचर होना और आप लोगों को धन दौलत की प्राप्ति करवाएगा और कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी दिलवाएगा और इस समय आपको सोचने समझने और कार्य करने की इच्छा शक्ति में अवश्य बढ़ोतरी होंगे। आप अपने दैनिक दिनचर्या में प्रगति व्यक्त करते हैं और किसी नए काम काज को करने की शुरुआत करने के बारे में विचार कर सकते हैं जो आपके व्यक्तित्व में आपके विलासाओं में और आपके अभिव्यक्त को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर सकता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में बेरोजगार लोगों को रोजगार, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को रोजगार की उपलब्धि विशाल प्राप्त होंगे। दुनिया का आप लोगों को विशेष सुनहरे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप लोगों को अपने पुरानी योजनाओं को कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेन देन के कार्य में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। तो मित्रों आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों के भाग्य के सितारे भी साथ देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपको आपके जीवन में प्रसिद्धि की प्राप्ति होंगे। घर परिवार को लेकर आप किसी नए योजनाओं को बना सकते हैं। घर परिवार की परिस्थितियों में काफी बड़ा सुधार आने वाला है। व्यापार व्यवसाय के मामले में आप लोगों का समय बहुत ही शुभ रहेंगे। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति भी होने वाली है जो आप लोगों के जीवन में कर्मों के अनुसार से फलों की प्राप्ति भी करवाने वाला है। आप लोगों के दुखों और समस्याओं का भी अंत हो जाएगा और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होंगे। काम धंधे से संबंधित आप लोगों को कार्यों में काफी ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। आपको अपने क्षेत्र में बड़ी परियोजना की प्राप्ति होंगे। दैनिक कार्यों से संबंधित उत्पादों की बिक्री भी आप लोगों के ठीक रहेंगे और मूवी के क्षेत्र से कार्य कर रहे लोगों को भी इस समय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को काम काजों को लेकर कई प्रकार के फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रूठने मनाने का सिलसिला चलता देखेगा। भावनात्मक स्तर पर भी आप लोगों के करीबी के साथ रिश्ते काफी अच्छे होंगे। आप अपने पार्टनर से पहले से ज्यादा यकीन कर सकोगे। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे। आप लोगों के शारीरिक और थकावट की स्थितियां भी आप लोगों के जीवन में धराशायी हो सकती हैं। रात में नींद की समस्याएं हो सकती हैं। आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करने से किसी भी किसी न किसी रूप से लाभ की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को शाम के समय पीपल के पेड़ के दर्शन करने चाहिए जिनसे कि आप लोगों के जीवन के कष्टों का अंत हो सके, बड़ी प्रसिद्धि को पाया जा सके। आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में अपार धन दौलत की प्राप्ति होंगे। काम धंधों से संबंधित कार्य क्षेत्र में आप लोग की तेजी भी बनी रहेंगे। किसी भी मित्र के साथ माध्यम से कोई बड़ा ऑफर भी प्राप्त हो सकता है और किसी बड़े ऑर्डर को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। अध्यापकों का भी काम काजों के क्षेत्र में काफी बड़ा स्तर भी प्राप्त होंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों को भी इस समय बड़े अधिकारी के साथ बड़े काम काजों को करने की पूरी कोशिशों में लगा रहने होंगे। आप लोगों के ऊपर भी काम काजों का दबाव बहुत ज्यादा रहेंगे। घर परिवार में कोई भी गलतफहमी हावी होती हुई दिखी जा सकती है। कोई भी तीखी प्रतिक्रिया आपसी पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। जरूरी है आप लोगों को संभल कर रहने के कंधों में दर्द की शिकायतें हो सकती हैं और कई नशे भी आप लोगों के खिताब हो सकते हैं। नशे में आप लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके बिजनेस व्यापार व्यवसाय को लेकर किसी भी प्रकार के मतभेद, किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें जिनसे कि आप लोगों के सारे कष्ट सारी के सारे दुख तकलीफ और परेशानी भी दूर हो जाएं, आपका प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सके, आप लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति हो सके। वहीं आप लोगों को सुबह उठकर सबसे पहले देवी देवताओं के इस मूर्ति का आपको दर्शन करने चाहिए। आप अपने घर में लक्ष्मी माता, आप चाहें किसी भी प्रकार के कोई भी स्वरूप का धन भी मत दाइवे माता लक्ष्मी जी की आपने प्रतिमा को अपने घर में लगा रखा है। आप जिसकी भी पूजा करते हैं आप उसके समक्ष जाकर अपने दुखों के सारे
दुखों का बखान जरूर करें। आप लोगों को ऐसे में करने से आपके सारे कष्टों से छुटकारा भी प्राप्त होंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों पर बरसेंगे और आप लोगों के कष्टों का अंत भी होंगे। मित्रों, आप लोगों के बिक्री में वृद्धि होंगे। जो लोग कपड़े व्यापारी हैं उन लोगों के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि भी देखी जा सकती है। काम धंधों से संबंधित आप लोगों के कार्य में तेजी रहेंगे। आप लोगों के सभी प्रयास सफल होंगे और किसी सरकारी ऑर्डर को प्राप्त करने से आप लोगों को सफलता मिलेंगे। आप लोगों का काम काज भी फिर से चमक उठेंगे। आप लोगों को भाग्य का साथ प्राप्त होंगे जिनके कारण आप लोगों के सभी कार्य आसानी से होते हुए चले जाएंगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग में कुछ कर्मचारी बॉस भी आप लोगों के साथ संबंधों का लाभ दे सकते हैं। उनको प्रमोशन भी प्राप्त होंगे। आप लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। घर परिवार में किसी भी बात को लेकर छींटाकछी देखी जा सकती है जिसके चलते आपस में भी कहासुनी हो सकती है। भाई भाई में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है या फिर आप लोगों में थोड़ी सी मनमुटाव देखी जा सकती है। ऐसे में आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत होंगे। वाहन चलाते हो तो समय और सतर्कता आपको बरतने जरूरत होंगे। आप लोगों को विवादों से और लड़ाई झगड़ों से बचकर रहने की जरूरत होंगे। किसी भी कार्य को करने से आप लोगों को शुभ परिणामों की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को व्यापार में किसी प्रकार का अड़चन भी देखा जा सकता है और कामों से संबंधित समस्याओं से भी आप लोगों के किसी बाधाओं से गुजरना पड़ सकता है। आप लोगों का काम रुक सकता है। कोई भी तकनीकी परेशानी होने से आप लोगों के मन में चिड़चिड़ापन रहेंगे। आपका मन दुखी रहेगा। नौकरी पेशे वाले वर्ग को कुछ कर्मचारियों से भी किसी भी लालच में फंसकर आप अपने करियर को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों से दूर रहें। आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके अपने आप पर मेहनत करने से जरूरत होंगे। मित्रों, यह समय भाग्य का बदलता हुआ देख आप लोगों के भाग्य में भी अवश्य परिवर्तन होंगे। आप लोगों के जीवन में खान पान का खास ध्यान रखने की जरूरत होंगे। संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आप लोगों के सारे संकटों का भी अंत हो जाएगा। आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। बजरंग बली की कृपा से आप लोगों के जीवन का कष्ट भी अंत हो जाएंगे। आप लोगों को भगवान बजरंग बली की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए और उनकी पूजा उपासना करने के उपरांत आप इस समय मीठी चीजों का जरूर इस समय दान करें या मीठी चीजों का प्रसाद जरूर बना लें। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन के दुखों दरिद्रताओं और परेशानियों का भी अंत हो जाएंगे। आप लोगों को बड़ी प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होंगे, बड़ी कामयाबी की प्राप्ति भी होंगे। आप लोगों के सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे। घर परिवार के राजनीतिक स्तर में थोड़ी सी इस समय विवाद को देखा जा सकता है जो कि आप लोगों के लिए दुर्लभ संयोगों का निर्माण कर सकता है या किसी बड़ी मुसीबतों में भी आप लोगों को डाला जा सकता है। आप लोगों को धैर्यता के साथ सभी कार्यों को करने की जरूरत होंगे। सभी व्यावसायिक मतभेदों को भी दूर कर सकते हैं और इस समय नई योजनाओं को बनाकर कार्य क्षेत्र में अपने एक अलग छवि अलग पहचान बना सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगे। नौकरी पेशे वाले वर्ग को भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी।